स्वागत है आप सभी का एम टीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें पास आए बेल बेलाइकॉन को भी जरूर दबाएँ आंधी बारिश का स्पेल दिल्ली नोएडा समेत एनसीआर के इन इलाकों में बरसेंगे बादल जाने मौसम का हाल आपको बता दें मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज नौ मई को धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश होने की संभावना है बता दें कि नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद गुरुग्राम पंजाब और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली और झमाझम बारिश भी हुई जिससे मौसम खुशनुमा हुआ है उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से ठंडी हवाएं और बारिश ने गर्मी से लगातार राहत दी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है बीते दो दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली लेकिन फिर अचानक मौसम ने रंग बदला एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई मौसम विभाग की माने तो आठ मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न पर उप, अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि हुई जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान की संभावना है गुजरात तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल केरल और माहे कर्नाटक और तेलंगाना वहीं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान जोर पकड़ रहा है आईएमडी के दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी और अंडमान और निकोबर द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास क्षेत्रों में तूफानी मौसम की भविष्यवाणी है मछुआरों को इन क्षेत्रों में जाने की न जाने की सलाह दी गई है इसके साथ ही चक्रवाती तूफान आने की भी आशंका है नौ मई के आसपास बंगाल के खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है इससे लगातार नजर रखी जा रही है आईएमडी ने 10 से 12 मई के दौरान अंडमान और निकोबर द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा नौ से ग्यारह मई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बेहद भारी बारिश होने की और सामान्य क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मछुआरों छोटे जहाजों नावों और ट्रेलरों को सलाह दी गई है कि 10 मई से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर और 9 मई से दक्षिण पूर्व और सटे मध्यम बंगाल की खाड़ी में ना आए इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मई के महीना बारिश और हल्की ठंड का एहसास दे रहा है पिछले कुछ दिनों से बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर बाद झमझम बारिश हुई लखनऊ में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई थी आज लखनऊ के अलावा कई जिलों में बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना हो गया मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी में अधिकतम तापमान अड़तीस और न्यूनतम तापमान चौबीस रहने का अनुमान है वही राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है मौसम विभाग के अनुसार 12 मई के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है लू की स्थितियां बनने लगेंगी पिछले दिनों प्रदेश में बारिश और रोले गिरने से जो स्थिति बनी है जल्द ही उसमें बदलाव होने लगेगा अगले 10 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया गया है मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत